और दोस्तों नमस्कार, मैं अतुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर का ये स्टॉक है। और अगर हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के जंगल की, तो उस जंगल का जो राजा है वो ये स्टॉक है। फंडामेंटल शानदार है, स्टॉक शानदार है, हर 5 साल में ये स्टॉक आपको लगभग दुगने के रिटर्न देने की क्षमता रखता है। फिलहाल स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं और नंबर्स भी बेहतर पोस्ट किए हैं बैंक ने। जी हाँ, और ये बैंक है HDFC बैंक, शानदार बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड बैंक अगर कोई है आज की तारीख में तो वो HDFC बैंक ही है दोस्तों। जंगल का राजा है ये और सबका बाप भी है ये स्टॉक। तो चलिए सबसे पहले तो हम HDFC बैंक के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताते हैं। लगभग 5,34,000 करोड़ के आसपास की टोटल मार्केट कैप है, 404 की इसकी बुक वैल्यू है 404 की, डिविडेंड परसेंटेज लगभग 650%, इंडस्ट्री पी 31.18, जबकि जो स्टॉक की पी है वो लगभग 29 समथिंग चल रही है। स्टॉक की पी लगभग 29.39 के आसपास है, ROCE 7.37 है, जो कि थोड़ी कम है, बट इंडस्ट्री में जो अदर बैंक है उनके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7.97 इंडसइंड बैंक की है, 4.48 आपके एक्सिस बैंक की है, 4.98 आपकी ICICI बैंक की। तो ओवरऑल इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक की जो ROCE है वो लगभग ऑलमोस्ट इक्वल है, ROE 17.87% है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कैपिटल, इनकी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो 271 करोड़ के आसपास शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। एक जो चीज़ है वो थोड़ा सा जरूर सोचने विचारने वाली बात है कि जो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो लगभग 5 times अपनी बुक वैल्यू का 5 times पे ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा सा मुझे यहाँ से स्टॉक अभी अगर मैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात करता हूँ, अगले कुछ महीनों के लिए, तो मैं स्टॉक थोड़ा सा हायर प्राइस पे नज़र आता है, कुछ कंसोलिडेशन इसमें आपको मिल सकता है। तो जल्दीबाजी में मत खरीदिएगा, SIP के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के लिए, 5-5 शेयर महीने में, 10-10 शेयर महीने में, अगर आप इस तरह से खरीदेंगे तो बेस्ट शेयर है ये। अगर आपको इकट्ठे 50, 100, 200 शेयर्स खरीदें तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ट्रेडर्स के लिए ये अभी ट्रेडिंग जोन में चल रहा है फिलहाल, ये ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। छोटी अवधि में जो पैसा लगा के मुनाफा कमाना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए SIP बेस्ट रहेगी। इन्वेस्टर्स एक बार में एक मुश्त रकम ना लगाएं इस स्टॉक के अंदर फिलहाल, ठीक है। नंबर्स पोस्ट हुए, नंबर्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। सितंबर 16, सितंबर 17 एंड सितंबर 18, हमने सितंबर के नंबर्स लिए हैं, 16, 17, 18। इंटरेस्ट अर्न, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन द बैलेंसेस विद द RBI, ठीक है। इसके अलावा अदर इनकम, PBT, PAT, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस NPA, नेट NPA एंड द बेसिक EPS। इंटरेस्ट एंड 2016 की सितंबर में 12,901 करोड़ के थे, सितंबर 17 में 15,355 करोड़ के थे एंड सितंबर 18 में 18,827 करोड़ के थे। यानी कि जो सितंबर 16 और सितंबर 17 में जो चेंजेस आए थे वो लगभग 2,454 करोड़ का इंक्रीज हुआ था, और सितंबर 17 से सितंबर 18 में लगभग 3,471 करोड़ का इंटरेस्ट बढ़ा है, तेजी आई, यानी कि अच्छी नंबर शो की है सितंबर 18 में ने इस बार, ठीक है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करते हैं, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां 2016 में 2016 में 3,800 करोड़ के आसपास की इनकम थी इन्वेस्टमेंट से, वहीं सितंबर 17 में 4,006 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी इनकम थी एंड सितंबर 18 में शानदार 5,042 करोड़ रुपए की इनकम आई है इन्वेस्टमेंट से, जहां पर सितंबर 16 के मुकाबले सितंबर 17 में केवल 188 करोड़ के आसपास की ही इनकम इंक्रीज हुई थी। वहीं सितंबर 17 से सितंबर 18 में जो इनकम इंक्रीज हुई है वो लगभग 1,035 करोड़, यानी बहुत ही शानदार जो इनकम है इन्वेस्टमेंट के थ्रू इस वर्ष HDFC बैंक ने कमाई है। इंटरेस्ट ऑन द बैलेंसेज विद द RBI सेप्टेम्बर 16 में 139 करोड़ के आसपास था, सेप्टेम्बर 17 में जो इनकम थी इंटरेस्टेड से वो 106 करोड़ की थी और सेप्टेम्बर 18 में 93 करोड़ आ गई। यानी कंटिन्यूसली जो RBI के पास जिनके बैलेंसेज है वो घट रहे हैं और उसकी वजह से जो इनकम है इंटरेस्ट से वो भी गिर रही है, ठीक है। लेकिन जो सेप्टेम्बर 16 और सेप्टेम्बर 17 के बीच में डिफरेंस रहा वो लगभग 33 करोड़ की गिरावट आई थी इंटरेस्ट रेट में, इंटरेस्ट में, जबकि सितंबर 17 से सितंबर 18 में केवल 12.91 करोड़, यानी केवल 13 करोड़, यानी कि ये भी इम्प्रूव्ड हुआ है कि कम गिरावट रही है इंटरेस्ट में सितंबर 18 के अंदर।
अदर इनकम 2900 करोड़ सितंबर 16 में, 3605 करोड़ सितंबर 17 में एंड 4015 करोड़ सितंबर 18 में, यानी कि सितंबर 16 और सितंबर 17 में जो इंक्रीज हुआ है वो लगभग 705 करोड़ के आसपास तेजी आई है, वहीं सितंबर 17 और 18 में केवल 409 करोड़ की, यानी कि इसमें कुछ गिरावट नजर आई है जो अदर इनकम है। पीबीटी ओवरऑल 5275 करोड़ सितंबर 16, 6341 करोड़ सितंबर 17 एंड 7659 करोड़ सितंबर 18, यानी कि सितंबर 16 और सितंबर 17 के बीच में जो तेजी रही है वो लगभग 1066 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, वही सितंबर 17 और 18 में लगभग 1318 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, यानी कि इसमें भी इंप्रूवमेंट आया है ईयर ऑन ईयर ग्राउंड पे। पैट 3455 करोड़ से बढ़ के 4151 करोड़ के आसपास पहुंच गया था सितंबर 17 में, और वहीं सितंबर 17 से सितंबर 18 में 5005 करोड़ पहुंच गया, यानी कि जहां पर सितंबर 16 और 17 में लगभग 695 करोड़ के आसपास का इंक्रीज आया था पैट में, वहीं सितंबर 17 और 18 में यही पैट बढ़ के 854 करोड़, यानी शानदार पैट या नेट प्रॉफिट की बात करें तो शानदार तरीके से इम्प्रूवमेंट आया इस सितंबर क्वार्टर में पिछली दो सितंबर क्वार्टरली रिजल्ट से। ठीक है, ग्रॉस एनपीए जहां पर सितंबर 16 में 5069 करोड़ के ग्रॉस एनपीए थे, वही सितंबर 17 में ये ग्रॉस एनपीए बढ़ के हो गए 7700 करोड़ के, और सितंबर 18 में ये ग्रॉस एनपीए बढ़ के हो गए 10097 करोड़ के। बट अगर डिफरेंसेस में बात करें कि किस रेशियो में बढ़ रहे हैं, तो सितंबर 16 से सितंबर 17 के बीच में जो ग्रॉस एनपीए बढ़े वो 2633 करोड़ के बढ़े, जबकि सितंबर 17 से सितंबर 18 के बीच में केवल 2394 करोड़ के ही ग्रॉस एनपीए इंक्रीज हुए। वही नेट एनपीए जहाँ पर सितंबर 16 में 1488 करोड़ के थे, सितंबर 17 में ये बढ़ गए 2596 करोड़ हो गए, और सितंबर 18 में ये बढ़ गए 3028 करोड़ हो गए। तो सितंबर 16 और 17 में जो एनपीए में चेंजेस आया वो लगभग 1107 करोड़ का चेंजेस आया, यानी इंक्रीज हुआ एनपीए, नेट एनपीए। वहीं सितंबर 17 और 18 में जो नेट एनपीए इंक्रीज हुआ वो केवल ओनली 431 करोड़ इंक्रीज हुआ, यानी कि नेट एनपीए के केस में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया बैंक ने। और ये जो एनपीए का जो ग्राउंड है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार एनपीए कंट्रोल में आ गया, ये एनपीए को इन्होंने ओवरकम कर दिया, जितना ज़्यादा जितनी तेजी के साथ उतना ही बैंक में स्ट्रेंथ आएगी और प्रॉफिट्स बढ़ते चले जाएंगे। बेसिक ईपीएस सितंबर 16 में 13.6 का था, सितंबर 17 में 16.1 का था, और सितंबर 18 में 18.7 का था। तो 16 और 17 के बीच में डिफरेंस था लगभग 2.5 का ईपीएस बढ़ा, और सितंबर 17 और 18 के बीच में भी लगभग फ्लैट 2.6 का ही ईपीएस इंक्रीज हुआ था। तो ये इसके ओवरऑल पिछले तीन सितंबर रिजल्ट्स के हमने आपको आंकड़े दिखाए। तो ओवरऑल इस बार सितंबर क्वार्टर के जो नंबर हैं वो 2017 और 2016 के मुकाबले काफ़ी बेहतर पोस्ट किए हैं HDFC बैंक ने। ठीक है, तो ये हमने आपको आपको नंबर्स के बारे में बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में बताऊंगा, वीकली चार्ट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल 1950 का जो सपोर्ट लेवल है क्लोजिंग ग्राउंड पे 1959 का जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर वीकली चार्ट पे इसके नीचे बंद होता है तब हमें और वीकनेस नज़र आएगी। अगर डेली इंट्राडे ट्रेडर्स की बात करता हूँ तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा कि जो आपका एग्जिट स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे ट्रेड के लिए वो तकरीबन 1900 रुपीस का रहेगा, यानी कि अगर आपकी इंट्राडे ट्रेड में ये 1900 से नीचे जाता है तो आप समझ लीजिए कि बेयरिश मोड में स्टॉक चला गया, स्टॉक में कंसोलिडेशन अभी आ सकता है। मैं समझता हूँ अभी 1850 तक का लेवल आप सभी को दिखाई दे सकता है इस स्टॉक के अंदर। ओवरऑल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको थोड़ी तेजी मिल सकती है क्योंकि नंबर्स अच्छे पोस्ट किए हैं बैंक ने, तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिल जाए। बट कंसिस्टेंसी के लिए, एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए जो स्टॉक का जो अगर हम लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड देखते हैं तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि ये आप देखेंगे इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जिसके बाद ये बुलिश हो जाएगा एकदम से, वो लगभग है 2220 रुपीज़ का, यानी कि एक बार 2220 रुपए के ऊपर मंथली क्लोजिंग इस स्टॉक की आ जाती है देन डेफिनेटली 3000 ये बहुत जल्दी अचीव करेगा, बहुत क्विक और बहुत शार्प 3000 के लेवल तक ये स्टॉक पहुंचेगा एक बार 2220 रुपए के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता मंथली चार्ट पर। बट अगर पिछले 5 महीनों का आप देखेंगे तो ये नीचे वॉल्यूम प्लस है, आप देखेंगे यहाँ पर जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर
पिछले तीन महीनों में, अगस्त में देखेंगे, सितंबर में देखेंगे और अक्टूबर में देखेंगे, तीनों ही महीनों में स्टॉक में एक वीकनेस के साथ बंद हुआ, बियरिश ट्रेंड है। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ से एग्जैक्टली, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, जो जून महीने की जो कैंडल है उसमें आप देखेंगे जो गिरावट आई है वो हाई वॉल्यूम के साथ आई है। यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा थे, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ गिरावट आई, जो कि इंडिकेशन दे रही थी कि भैया आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर वीकनेस आने वाली है। आप समझ रहे हैं ना, जून महीने में इंडिकेशन आ गया था, हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने नीचे की तरफ बंदी दिखाई थी अपने पिछले लास्ट मंथ में। यानी कि मई में जो क्लोजिंग आई थी वो लगभग 2129 रुपए की आई थी और जून में जो क्लोजिंग आई जून मंथ में वो 2108 रुपए की आई। यानी कि हाई वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ क्लोज हुआ, इंडिकेशन था कि आने वाले टाइम में स्टॉक में वीकनेस आ सकती है। बट जुलाई मंथ में स्टॉक ने थोड़े वॉल्यूम कम रहे जून मंथ से, बट एक तेज़ी दिखाई और स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी वो 2179 की थी, 2179 की क्लोजिंग दी, जबकि हाई गया 2220 और यही इसका हाई जो था 2220 इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल बन गया। उसके बाद लगातार पिछले तीन महीनों में चूंकि मार्केट में भी वीकनेस है, फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में भी वीकनेस है और वो वीकनेस हमें HDFC बैंक में भी देखने को मिली। डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन देखने को मिला, बहुत ज़्यादा मार्केट में पैनिक रहा लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं देखने को मिली। बट अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने अपने 2200 रुपए के लेवल से गिरते हुए लगभग 1967 के लेवल तक आ चुका है स्टॉक और अभी भी मुझे इसमें थोड़ी और गिरावट की संभावनाएं नज़र आती हैं। ओवरऑल अगस्त सितंबर अक्टूबर अगर आप देखेंगे, जुलाई में क्लोजिंग थी 2179, उसके बाद अगस्त में जो क्लोजिंग आई 2061 यानी नीचे की तरफ क्लोजिंग आई, बियरिश कैंडल बनी। उसके बाद सितंबर में जो क्लोजिंग आई 2006 यानी कि और नीचे की तरफ क्लोजिंग आई, बियरिश कैंडल बनी। उसके अलावा अक्टूबर में जो फिलहाल अभी तक चल रहा है 1967 चल रहा है, अगर ये 2006 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है अक्टूबर मंथ के अंदर, यानी 2010 के ऊपर की क्लोजिंग अगर नहीं देता है तो ट्रेंड स्टिल बियरिश मोड में बना रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, फिलहाल अगले कुछ महीनों के लिए। लेकिन अगर अक्टूबर 31 तक ये स्टॉक 2010 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो मुझे फिर लगता है अगेन ये स्टॉक 2200 रुपए का लेवल टच करने का पूरा पोटेंशियल रखता है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर जो वॉल्यूम्स हैं वो हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक गिर रहा है और इस वक्त भी स्टॉक में एक अच्छी गिरावट है। लगभग जो ओपन हुआ था वो 2009 पर ओपन हुआ था, ठीक है, जो लो रहा है वो 1917 का रहा है और जो अभी क्लोजिंग रही है इसकी लास्ट ट्रेडिंग डे की वो 1967.75 की रही है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको मंथली चार्ट बता दिया, वीकली चार्ट पे कुछ फ्लक्चुएशन आ सकता है, नंबर्स का इंपैक्ट आ सकता है, नंबर्स चूंकि बेटर पोस्ट किए हैं तो प्रोबेबिलिटी रह सकती है कि अगर मार्केट ग्रीन में ओपन होता है नेक्स्ट वीक देन ये स्टॉक भी आपको ग्रीनिश मोड शो कर सकता है। बट बहुत ज़्यादा बुलिशनेस की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता, मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 2220 रुपए का लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता वीकली और मंथली चार्ट पे स्टॉक में बुलिश ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अभी स्टॉक हायर हाई हायर लो पे चल रहा है, यहाँ से देखेंगे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई, हायर हाई के बाद अभी अगर स्टॉक ने नीचे की तरफ 1880 के नीचे की क्लोजिंग दे दी तो लोअर लो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको ट्रेंड इंडिकेशन दे रहा हूँ। अगर 1880 के नीचे अक्टूबर मंथ में बंद हो जाती है कैंडल देन आप समझ लीजिए क्या क्या लोअर लो बन जाएगा और ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन आ जाएगा। फिलहाल अगर हम यहाँ पर RSI की बात करते हैं तो मुझे RSI भी इस वक्त लगभग अगर मैं मंथली चार्ट पे देखूंगा तो तकरीबन 62 के आसपास है, क्वार्टरली कैंडल में अगर देखूंगा तो लगभग जो RSI वो 81 के आसपास, थोड़ा सा मुझे हैवी वेट लग रहा है RSI, बट ओवरऑल जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है, जो लोग समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है उन लोगों के लिए बेस्ट कैंडिडेट है वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। आपको ये स्टॉक हर 5 साल में डेफिनेटली दुगने का रिटर्न देगा, यानी कि अगर आज की तारीख में 2000 रुपए का है तो अगले 5 सालों में आप 100% का इसमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसमें निवेश करते हैं। सो ओवरऑल ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए बेहतरीन स्टॉक है, अल्टीमेट स्टॉक है, SIP का बेस्ट कैंडिडेट है। आप हर महीने 5, 10, 15, 20 जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से इस स्टॉक में इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन आप निवेश कर सकते हैं। ये स्टॉक अगले 5 सालों में आपको डेफिनेटली 4000 से 5000 के लेवल के बीच में जरूर दिखाई देगा दोस्तों। तो ये हमने बात की जंगल के राजा
HDFC बैंक के बारे में, और इस स्टॉक को आप निवेश में अपने पोर्टफोलियो में जरूर बना के रखिएगा, ये आपके पोर्टफोलियो को जरूर चार चांद लगाएगा। दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के और दिग्गज शेयरों के बारे में बात करेंगे जो अपने सेक्टर में लीडर हैं और आपको आने वाले 5 वर्षों में ज़बरदस्त बहुत बड़ा और शानदार मुनाफा कमा दे सकते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग उससे मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर मात्र करने से काफ़ी लोगों का भला हो सकता है। फ्रेंड्स अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कुछ क्वेरीज हैं तो आप सेंड करते रहिए, मेल करते रहिए, टेलीग्राम करते रहिए, और वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।